हेलो दोस्तों, आजकल जो फ्लू चला हुआ है उसके बचाव के लिए आज मैं आपको खुद का आजमाया हुआ आयुर्वेदिक काढ़े का नुस्खा बताने जा रही हूँ। एक गिलास पानी लें, उसमें दो लौंग, एक छोटी इलायची, एक तुलसी का पत्ता, एक काली मिर्च और 8 से 10 दाने बड़ी इलायची के डालें। बड़ी इलायची पूरी नहीं, उसके अंदर से जो छोटे दाने होते हैं उनमें से कुछ दाने डाल दें। इन पूरे मिक्सचर को हल्का दरदरा पीस लें और इसके साथ 5 से 10 ग्राम गुड़ डाल दें और सारे मिक्सचर को उबलने दें। कम आंच पर ये उबलते उबलते जब 1 ग्लास से आधा या पौना रह जाए तो गैस बंद कर दो। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो आप इसे चाय की तरह पी सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप छोटे बच्चे को 1/4 कप और बड़े आधा कप ले सकते हैं। अगर इसके साथ आपको हल्का बुखार भी है तो इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी और गिलोय डालकर वो काढ़ा पी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बुखार है तो आप डॉक्टर की सलाह लें या ठंडे पानी की पट्टी सिर पर रखें। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं आपकी डाइट। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी वाले फल जैसे पपीता, मौसमी, सेब, अंगूर, नारियल पानी, ग्रीन टी, ये सभी चीज़ें ज़रूर लें। कुछ दिन के लिए दूध से बनी चीज़ें बंद कर दें। हर रोज़ 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठें और पीने के लिए गर्म पानी यूज़ करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए और गर्म पानी से ही गरारे करें। इन सब चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ज़रूर आजमाएं इसे। धन्यवाद।